Hello everybody. Welcome to yet another episode of Yeh Hai Aashiqui Siyappa Ishq Ka, powered by Lava Smart. Now, प्यार में एक ऐसी चीज है जो हमेशा से overhyped रही है, या फिर काफी लोग believe नहीं करते इसमें, वो है unconditional love. तो मैं हमेशा ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि is unconditional love a fantasy? क्या वो reality में exist नहीं करती? But then, मैंने सुनी एक ऐसी कहानी, जिस कहानी ने मेरे इस doubt को completely मेरे मन से मिटा दी, और वो कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ. Well, let's watch आज की हमारी कहानी on ये है आशिकी सियापा इश्क का, co-powered by Lava Smart. जी सर. ओके. डेफिनेटली सर. ओके सर. ऑफकोर्स सर. हाँ, मैं टच में रहूँगा. मैं कॉल बैक करता रहूँगा. पक्का सर. एंड थैंक यू फॉर द चांस सर. ओके बाय. क्या हुआ, कुछ बोलेगा? गाइस, म्यूजिक लेबल वालों को फ़ोन था. अच्छा. 3 हफ्ते दिए हम लोगों को डेमो रिकॉर्ड करना है, और अगर अच्छा लगा तो हमारी एल्बम पक्की. यस. नो मोर बैगिंग, नो मोर गिगिंग, और ऊपर से प्लस फ्री का दारू और खाना. फैन चालू है ऐसे लाइटिंग. और उससे बढ़िया बात, जब मेरी माँ 6x6 की फोटो मेरी मैगजीन में देखेगी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और बोलेगा, ए माँ देख तेरा बेटा रॉक स्टार आया रे. सही कह रहा भाई, तू एकदम सही कह रहा राहुल. यार मार्केट में हमारी रिस्पेक्ट हो जाएगी यार. मेहनत कर रहे हैं, यहाँ गिटार बजाते हैं, टाइम पास थोड़ी ना कर रहे हैं भाई. गाइस, हमें एक महा प्रॉब्लम है. क्या हो गया? क्या? बिना लीड सिंगर के तुम लोग जितना भी गिटार या ड्रम्स बजा लो, हम लोग का एल्बम पास नहीं होने वाला. एंड दैट्स द फैक्ट. यार कब से तो ढूंढ ही रहे हैं. अगर वो स्टूपिड वनीता हमें डिच करके ना जाती ना, अभी तक तो हमारी एल्बम मार्केट में बिक रही होती. अच्छा, ओके ब्रो, तो ये सोच, 3 वीक्स, 3 हफ्ते, 3 हफ्ते में सिंगर ढूंढना. हाँ, प्रैक्टिस, रिहर्सल्स, रिकॉर्डिंग लग जाएगी हमारी. पागल हो गया? कम ऑन, सब हो जाएगा गाइस, ट्रस्ट मी. चल ऑडिशन देखते हैं. 35 वाला ऑडिशन देखते हैं. बिना किसी बात पे और यूं ही मुलाकात. चेक चेक चेक. सर्दी की धूप और धीमी बरसात पे कि छोटी छोटी खुशियों पे नेल मारे छलांग मारे छलांग. भाई इसका नंबर नोट करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा. चुप करे यार, बस मतलब यही सोचता रहता है यार तू. गाइस, हमें फीमेल सिंगर तो चाहिए यार. एंड आई एम श्योर कि हम लोग ढूंढेंगे तो अच्छी लड़की मिल जाएगी हमें. और सुन लो अच्छी तरीके से, अगर रिकॉर्ड लेबल हमारे हाथ से गया तो हमारा रॉकस्टार का ड्रीम जो ड्रीम ही रह जाएगा भाई. ट्रू, करना पड़ेगा. कम ऑन. तुमने आवाज़ बढ़ा. इसे अगर हम लोग लेंगे ना, इसे देख के ना पब्लिक अंडे मारेगी जो तेरे बालों में फंस जाएंगे. तू रोशनी भी आग भी जलती है जहां में, ये नया सफर है ख्वाबों का, ऐसे तू भी जी ले. अजय बेटा. अरे आंटी जी. नमस्ते. हेलो आंटी. हेलो. अजय बेटा, आज बाहर मुंह दिखाने का इरादा है कि नहीं? नो मॉम, मैं सत्संग में नहीं जा रहा हूँ. मॉम काम है, मॉम इतना सारा करना है मुझे. बेटा ऐसे नहीं बोलते. कम ऑन, प्लीज. हमारे घर में सत्संग है, तुम बाहर नहीं जाओगे तो पाप लगेगा ना. पाप लगेगा? और वैसे भी मेरी सारी फ्रेंड्स तुमसे मिलना चाहती हैं. आपके फ्रेंड्स से मिलके मैं क्या करूँगा मॉम? ले, उन्हें भी तो पता चले जवान बेटा है मेरे घर पे. कम ऑन मॉम, नो. एक काम करना बेटा, अजय के अलमारी से ना कुर्ते ले लेना, चेंज कर लेना, ठीक है? जी आंटी जी. एंड नो, तुम आ रहे हो. और वैसे भी कचौरी जलेबी किसको चाहिए? हाय कचौड़ी. आंटी मैं भी आ रहा हूँ. लेकिन चेंज जरूर कर लेना और जल्दी आओ. तू यार, तू छोड़, तू मुझे कुर्ता दे जल्दी. प्लीज कुर्ता दे. और चल रहे नीचे. एग्जैक्टली. जल्दी कचौरियों के लिए बिक गए, मतलब फ्रेंड के साथ छोड़ दिया. आ रहा हूँ. चलो. हाँ चलो.
सबने मुझे यहाँ देख लिया है, जाऊँ मुझे इम्पोर्टेंट ऑडिशन देखने। बेटा क्यों इतनी टेंशन ले रहे, थोड़ी देर रुक जाओ ना मेरे लिए। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें अपनी नई फ्रेंड से मिलाती हूँ, दीप्ति। मेरा बेटा अजय। नमस्ते बेटा, मैंने सुना है तुम्हारा कोई म्यूजिक बैंड है, वो क्या कहते हैं, रॉक बैंड? जी हाँ जी, जी हाँ जी। वैसे बेटा करियर के बारे में जरा ध्यान से सोचना, हजारों म्यूजिशियंस में कुछ लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। मेरी बेटी पूजा तुम्हें हेल्प कर सकती है। पता है पूजा ना म्यूजिक के लिए बहुत ही सीरियस है, 10 साल से हिंदुस्तानी और क्लासिकल कर्नाटक सीख रही है। हाँ अब तो फॉरेन से एक म्यूजिक डिग्री भी लेने वाली है ना अबव एवरेज? जी आंटी जी। देखना बेटा वो तुम्हें जरूर सही गाइड करेगी। जी आंटी, वो डिग्री कौन सी लेने वाली आपकी बेटी? अरे आरती का मुहूर्त हो गया। अच्छा दीप्ति तू सबसे आगे जाके बैठ जा। हाँ? हाँ। चलो चलो आरती करते। हाँ जी। उन्होंने कुछ बोला क्यों? माने कि उनकी बेटी क्लासिकल में एक्सपर्ट है, लेकिन आपकी बेटी का म्यूजिक सेंस भी कम नहीं है। बेटा तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? तुम देखना जब तुम्हारा एल्बम आ जाएगा ना सब मान जाएंगे। प्लीज प्रे करो ना कि हमारे बैंड के लिए एक लीड गर्ल मिल जाए। मैं जितने सत्संग माने के लिए कहोगे आपके साथ आऊंगा पक्का। कोई बात नहीं, मिल जाएगी सिंगर, विश्वास रखो। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। गाती है यार ये तो अपने बैंड के लिए परफेक्ट है। अबे खदे भजन गा रही, रॉक कैसे गाएगी? ब्रो उसने जिस हाई नोट पे गाना गाया है ना, अच्छे से अच्छा रॉकस्टार भी ना उसको पकड़ नहीं पाएंगे। आई एग्री ब्रो, सही गाती है लड़की। क्या हुआ इसे यार, इसकी भजन गा रही है, रॉक कहाँ से गएगी ये, खुद देखना। ट्राई करने में क्या जाता है, उसकी आवाज तो सुन, कानों में गूंजती है। मैं तो जा रहा हूँ बात करने, समझ रहे हो? राउंड चल आल गल को गाइस, मैं तेरे को बता रहा हूँ ये लड़की ना पागल हो गई है। हम बात करने जा रहे हैं, तुझे अच्छा लगता है? ठीक है गाइस, रुको गाइस, गाइस रुको ना यार। I'm sorry, ये दोनों मेरे फ्रेंड्स ना इडियट हैं। मुझे मालूम है कि तुम हमारे बैंड में काम नहीं कर रही हो, तो इन दोनों ने जो भी बोला ना उसके लिए I'm really sorry। वो मैंने कभी किसी बैंड में काम नहीं किया है, पर मैं ट्राई जरूर करना चाहूंगी। पूजा बेटी चले? जी हाँ। नमस्ते आंटी जी। ओहो तो आप पूजा? आ रही हूँ। आई शुड हैव गेस्ड इट अर्लियर यार, हाईली टैलेंटेड क्लासिकल सिंगर, तुम्हारी तो अमेरिका से डिग्री भी आने वाली है ना। तुम मेरी मम्मी को मिल चुके हो? एक्चुअली तुम्हारी मम्मी को हमारा रॉक बैंड वाला करियर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और तुम हो हाईली टैलेंटेड क्लासिकल सिंगर, और हम तो टाइम पास करते हैं गिटार बजाते हैं, रॉक बैंड है हमारा, और अब एक क्लासिकल सिंगर रॉक बैंड में आएगी तो इट्स सच ए वेस्ट ऑफ टाइम यार, तो यू कैन नॉट जॉइन इट सीरियसली यार, मतलब हम साथ में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भजन और रॉक म्यूजिक बोथ आर वेरी डिफरेंट फ्रैंकली स्पीकिंग। भजन हो या रॉक म्यूजिक हो, जब तक मुझे गाना बनाने मिले और गाना गाने मिले मैं खुश हूँ, और आपके बैंड में मुझे लगता है कि मुझे एक अनुभव मिलेगा, और इससे ज़्यादा एक सिंगर को और क्या चाहिए। मैं ट्राई ज़रूर करना चाहूँगी अगर आपको ठीक लगे तो। परफेक्ट, तो ठीक है हम कल शाम को मिलते हैं। हाँ। रिहर्सल पे, रिहर्सल पे। ठीक है? ठीक है मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। ठीक है। Bye. Bye. Okay.
घूम चक्कर हो गए तुम दोनों की दोनों। क्यों, कहां से पोस्टर कट लग रही है मेरी? मरवा दिया तुमने यार। अबे देखिए इसको, सुन मेरी बात को, देखना अब बनेगा हमारा बैंड, वो भी पूजा के साथ। इससे ज्यादा ड्रामा मत कर। एक कल रिहर्सल भी देख लिया, कुछ भी बात करता है, कल मिलते रिहर्सल में। बाय। कहां फंसा दिया यार इन लोगों ने। अजय भाई ये सब बंद कर यार, सिंगर मिल चुकी है हमें, बहुत हो गया ऑडिशन, देख लिए बस। यार पूजा हमारे टाइप की सिंगर नहीं है, देखना जब गुब्बारा फूटेगा ना तो तुम दोनों इसका रिप्लेसमेंट ढूंढते फिरोगे। यार तू हमेशा ऐसे क्यों बोलता है यार, एक बार उसको गाने का मौका तो देके दे, पता नहीं किसके ख्याल में खोया रहता है ये। ए हाय, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। ऑल गुड? या हेलो अजय। या हाय। एक्चुअली हम ना तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। गाइस लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। आई नो तुम्हारा और हमारा स्टाइल थोड़ा अलग है, बट तुम कर लोगे। ओके लेट्स ट्राई गाइस। चलो 1 2 3 स्टार्ट। Stop. नहीं नहीं पेची नहीं, थोड़ा बेस रखो, वॉल्यूम चाहिए मुझे सॉन्ग में, ठीक है? राहुल इसको बेस का मतलब समझाया। तुम बहुत सही गा रही हो, टेंशन मत लो, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ, ठीक है? टेंशन मत लो। सर वो भी तो मुझे आके बोल सकता है ना, मुझे कैसे समझ में आएगा? तुम्हें जो करना है तुम वो करो, आई नो तुम कर सकती हो, ठीक है? सब समझ गई हूँ, मैं घर जाके बहुत प्रैक्टिस करूंगी। आज का सेशन मैंने कैसे गाया? अच्छा था। एक्चुअली सही बोलूं तो अच्छा नहीं था। टू बी वेरी फ्रैंक पूजा, तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट की टेंशन हो रही है। मैं और प्रैक्टिस करूंगी, कल तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा। ओके कल देखते। बाय बाय बाय। पागल पागल हो गया क्या? तमीज नहीं है बात करने की? मतलब अच्छा तो गा रही है यार, प्रॉब्लम क्या है तुझे? ब्रो जस्ट टेक इट इजी। डूड इट्स जस्ट कि वो हमारे टाइप के सिंगर नहीं है, ठीक है? रॉक बैंड और भजन में बहुत डिफरेंस होता है, तुझे मालूम है अच्छी तरीके से। हम उसे नहीं सिखा पाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो जानते हो ना, कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला गया तो फिर। तू बोलना क्या चाह रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। तुझे उससे प्रॉब्लम है या नहीं है? उसकी मॉम के कमेंट से प्रॉब्लम है। आर यू मैड? नहीं यार मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट आई लाइक हर। You like her? बोल ही दिया ना तुम्हें। I mean, I like her voice, लेकिन हमारा रॉक म्यूजिक वो नहीं गा पाई। जो करना है करो यार।
क्या हो रहा है यहाँ? हाय तीनों, यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्टॉप इट अजय, प्लीज तू दो मिनट चुपचाप से बैठ एंड जस्ट लिसन। हाँ चल भाई। खामोशी की सलाखों में क्यों चुप्पी लगा के बैठी? खौफ ये क्यों इन आंखों में तू ऐसे छुपा? अपनी राह पर सर उठा के जरा देख ले, ये नया सफर ख्वाबों का तेरा, बस तू भी जी ले। वेल डन, अच्छा किया। पूजा, see you tomorrow. हाँ? हाँ? Actually मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अच्छा, कहो। मैंने पहले कुछ लिरिक्स लिखे हुए थे, तो उन पर तुम्हारा ओपिनियन चाहिए था मुझे। तुम नील और राहुल से क्यों नहीं पूछ लेते? एक तो तुम्हारे दोस्तों ने इतनी मुश्किल से तुम्हें मनाया है मुझे बैंड का हिस्सा बनाने में, और मैं क्लासिकल गाती हूँ जो तुम्हें पसंद नहीं। कल को अगर मैंने कोई ओपिनियन दिया जो तुम्हें गलत लगा या पसंद नहीं आया तो तुम तो मुझे बैंड से निकाल दोगे। अरे नो नो नो, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आई लाइक यू। आई मीन आई लाइक योर सिंगिंग, द वे यू सिंग इट्स फैंटास्टिक। क्या गाती हो तुम? क्लासिकल म्यूजिक? मैं तो खो जाता हूँ तुम्हारे म्यूजिक में, सीरियसली। पर तुम तो नहीं चाहते थे ना कि मैं बैंड ज्वाइन करूँ? गलत था मैं। I was wrong. Sorry, Pooja. ठीक है, माफ किया। So sweet. Look, Pooja, ये deal हमारे band का सबसे बड़ा dream है। You know what? हमारा band बहुत difficulty में था। हमें अपने band के लिए lead singer चाहिए थी और मिल नहीं रही थी। मैंने 200 audition जाकर देखे तुम्हें lock करने से पहले। और मुझे तुमसे स्टार्टिंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस मैं अपने बैंड को लेके वरीड था। बट तुम बहुत अच्छा गाती हो, सीरियसली। सच्ची? Thank you.
ओके गाइस, डेमो रिकॉर्डिंग के लिए रेडी? हाँ ओके ओके, वॉल्यूम अप, बीट सेट, ट्रांस सेट, या हियर वी गो। Here we go guys. Yeah bro. Let's rock. Song record करने के बाद मैं लेबल वालों को मेल करूंगा, ठीक है? Okay. हम लोग रिवर्ट का वेट करेंगे। Fingers crossed. And do your best guys. Let's go man, let's go. One, two, three, go. जी सर, आपको मेल कर दिया सर। ओके ओके सर, बाय। तो कॉल आता ही होगा गाइस, फिंगर क्रॉस। भाई म्यूजिक कंपनी से फोन आया है। हेलो सर। ओके सर। Guys, उन्हें हमारा म्यूजिक बहुत पसंद आया। Just because of you. देखा, मैंने कहा था ना तुम बहुत अच्छा गाती हो। कॉल आ गया ना? नर्सरी से दोस्त नहीं, मेरे सगे भाई है। पर तुम डिफरेंट हो। अब तीनों तो पागल नहीं हो सकते है ना। किसी को तो बड़ा भाई बनना ही पड़ेगा। दे होपलेस, जैसा कि दिख रहा होगा। देखो, यू कैन सी दिस। पर एक बात बोलूं, ये बैंड हम तीनों का था, पर अब तुम्हारा भी है। कितनी मुश्किल से मैंने इन दोनों के पेरेंट्स को समझाया, दोनों के पेरेंट्स करियर के अगेंस्ट, और सबके पेरेंट्स को जाकर कन्विंस किया कि हम एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, और अगर ये डील हमें नहीं मिली तो सब मुझे ही ब्लेम करेंगे। सोचकर भी डर लगता है कि ये दोनों मुझ पर डिपेंडेंट है। डरो मत, तुम पर डिपेंड करते हैं क्योंकि तुम डिपेंडेबल हो। तुम्हें मैं डिपेंडेबल लगता हूँ? हाँ बिल्कुल। और एक बात कहूँ, जितने कड़क तुम बाहर से हो ना, अंदर से उतने ही नरम हो। तुम्हारी मम्मी तो मुझे और मेरे बहन को वेस्ट मानती है ना? क्या? She is very proud of you. तुम्हारी बहुत तारीफ करी थी उन्होंने। तुम्हारे बैंड ज्वाइन करने पर उन्होंने कुछ कहा तो नहीं ना? उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? पहले मम्मा को म्यूजिक से बहुत प्रॉब्लम थी। म्यूजिक का तो नाम तक नहीं सुनना चाहती थी। डॉक्टर बनाना चाहती थी मुझे, पर जब परफॉर्मेंस देखा, टैलेंट देखा, तो सब समझ गई। और आगे तो तुम जानते ही हो। वैसे मैंने उन्हें ये बैंड के बारे में नहीं बताया, पर एक बार हमारा म्यूजिक हिट हो जाएगा, तुम्हारी भी तारीफ करेगी। तुम्हें लगता है कि हमारा म्यूजिक हिट होगा? ऑफ कोर्स, बिल्कुल होगा। We'll be right back.
ए भाई सुन ना, कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई यार भाई, वो नीट नहीं पी सकता, सुबह सुबह पेट अपसेट हो जाता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोल्ड ड्रिंक लाना। मैं करता हूँ जुगाड़, तू जा। पक्का ना? हाँ पक्का पक्का, भाई है तू मेरा पक्का। हाँ भाई राहुल, राहुल उठ, उठ यार, 4 बजे मीटिंग है, उनका मैसेज आया। चल नील भाई उठ जा, मैसेज आया म्यूजिक वालों का, मीटिंग है 4 बजे, फटाफट कर यार, आजा चल। ब्रो 2 तो ऑलरेडी बज गए भाई, पूजा कहाँ? अपने घर पे होगी और कहाँ। एक काम करता हूँ, उसको मैसेज करके बोल देता हूँ। हाँ मैसेज कर दो उसको। Listen, attitude और informal lingo कम से कम रखना है। Main चीज़ है impression, impression अच्छा पढ़ना चाहिए। Impression बढ़ गया तो काम बन जाएगा। Come on, all the best. I'm sorry, I'm late. हेलो सर, गुड आफ्टरनून। आइए बैठिए, कम। वेल, सॉन्ग बहुत अच्छा है आपका, मुझे अच्छा लगा। आपकी लीड सिंगर कहाँ है? सर सर, हेयर शी सर, पूजा। ओह पूजा, सो सर। वेल आई थॉट आप में से किसी की बहन है। एक्सक्यूज मी सर। नहीं, वॉइस में स्पंक है नो डाउट, पर यू नो कपड़ों में नहीं। सर लोग तो म्यूजिक सुनते हैं, कपड़े नहीं देखते। सी अजय, अगर आपको हमारे साथ काम नहीं करना, वेल दैट्स ओके, पर यहाँ के जो टर्म्स हैं वो हम डिक्टेट करते हैं। एंड पूजा, नो ऑफेंस, ये जो तुम्हारी भैंजी टाइप की इमेज है, ये हमारी प्रोफाइल को सूट नहीं करती। हमें स्पंक चाहिए, भजन की सीडीज नहीं बेचनी। बट सीसर दिस इज यूनिक, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा कि एक सलवार कुर्ते वाली लड़की स्टेज पर आग लगा देगी। सॉरी सर, बट आई नो कि उसका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ट्रस्ट मी सर, इट वेंट सेट कर देगी। शी इज प्रिटी सर, लुक एट हर। अच्छा, हम कोई कपड़े के ब्रांड नहीं है और ना ही हमें कोई ट्रेंड सेट करना है। जो चल रहा है हमें वही चलाना है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। बट सर ये तो गलत है सर। गलत? अरे हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो हम जो कहेंगे वही सही है। एंड अजय, हम ऐसे ही काम करते हैं, तो प्लीज आर्ग्यू मत कीजिए। अगर आप हमारे पैरामीटर्स फॉलो नहीं कर सकते तो अनफॉर्चुनेटली ये डील भी नहीं हो सकती। टाइम टू चूज अजय।
मेरा बैंड है, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं। ये म्यूजिक हमने बनाया है, हमने एक म्यूजिक के लिए 100% दिया है, और आप हमें हमारे म्यूजिक से नहीं, हमारी अपीयरेंस से जज कर रहे हैं। दैट्स नॉट अ फेयर डील सर। हमारे पैसा, हमारी कंपनी, हमारी विश, हम किसी को भी कैसे भी जज कर सकते हैं। ओके, तुम्हें ये डील चाहिए या नहीं? Let's leave. हम स्टील से प्यारे, हमारी रिस्पेक्ट है। आप यहां पर ये सूट पहनकर आलिशान कमरे में एसी में बैठकर अपने आप को राजा मत समझिए। You're going to remember this conversation. आप देखना, रिग्रेट करेंगे एक दिन। Come on, पूजा। अजय, तुम प्लीज उन्हें वापस फोन करो, या कोई दूसरी सिंगर ढूंढ लो। तो पूजा सही करी अजय, सब मेहनत, सब जोश हम ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते यार, हम सबकी लाइफ बन सकती है। गाइस, तुम लोग समझती क्यों नहीं हो यार, उसने जो करा है सही करा है। आज वो लोग पूजा को निकालने की बात कर रहे थे, कल वो हमें हमारे बैंड से निकालेंगे। कंपनी अपना फायदा सोचती है, हमारा नहीं। वो बिल्कुल सही कह रहा है, पर अब क्या सारे सपने, सारे ड्रीम्स खत्म मेरे यहाँ पर, क्योंकि मुझे म्यूजिक के अलावा कुछ नहीं आता है। क्या करूंगा, क्या बोलूंगा अपनी मम्मी और पापा को? हाँ अजय, तुमने कहा था कि ये तुम्हारे लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट डील है, मैं उसके खत्म होने की वजह नहीं बनना चाहती। पहले मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट इम्पोर्टेंट था, लेकिन अब तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। तुम्हें कोई चेंज करे मेरे लिए नॉट पॉसिबल। तुम जो हो, जैसी हो, बहुत अच्छी हो, तुम मेरी हो। तुम्हें कोई बदल नहीं सकता। रास्ते ना रहा दिल पे बस। सब ठीक हो जाएगा, मुझे तुम तीनों पे फेथ है। और ये कालीकोट वाले एग्जीक्यूटिव होते कौन है हमें सिखाने वाले? इन्होंने नहीं किया तो क्या कोई और रिकॉर्ड लेबल हमें साइन कर लेगा? हमारा म्यूजिक अच्छा है गाइस, खुद पर भरोसा रखो। और साइन नहीं किया तो तब क्या करेंगे भाई? अनसाइंड बैंड का ना कोई औकात नहीं होता है। गाइस, हम पूरी दुनिया तक पहुंचेंगे। आई हैव एन आइडिया। थोड़ा लेफ्ट ले, लेफ्ट ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। आजा आजा, इश्क की उलझन, इश्क की कश्मकश, ये आशिकी।
ख्वाहिशें हैं, कैसी है बेरहम ये साजिशें, एक बार जो ये प्यार हो फिर रब से पहले यार हो, इसमें सुकून इसमें मजा, ये है बला ये है सजा, मुश्किल बड़ी कमबख्त सी ये आशिकी, हमने कर दिखाया। मैंने कहा था ना पूजा, तुम्हारी आवाज में मैजिक है, मैं इस मैजिक को हमेशा के लिए अपने साथ लेना चाहता हूँ पूजा। आई लव यू पूजा। आई लव यू टू। Well, उस वीडियो के अपलोड होने के बाद ऑनलाइन तो फैंस की लाइन लग गई, फिर क्या था? फिर एक के बाद एक नए गानों की डिमांड शुरू हो गई। और अजय ने सही कहा था कि एक कंपनी नहीं, ऐसी कई सारी कंपनीज थी जिन्होंने बैंड को अप्रोच किया, बट बैंड ने सारे ऑफर्स को मना कर दिया, ऑफ कोर्स पोलाइटली। वेल, वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अजय के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पूछने जाने दिए। व्हाई? ऑब्वियसली क्योंकि उसे रिस्की ऑप्शंस ज्यादा पसंद है, एंड बाय रिस्की आई मीन पूजा। बट नाउ अगेन बिलीव मी, ये रिस्क लेने के बाद उन दोनों के चेहरे पे जो स्माइल थी ना, दैट स्माइल वाज प्राइसलेस, दे वुड डू एनीथिंग फॉर दैट स्माइल, दैट हैप्पीनेस। वेल, ये थी वो अनकंडीशनल लव स्टोरी जिसकी मैं बात कर रहा था। आई सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर ब्यूटीफुल लव स्टोरी, तब तक के लिए कीप फॉलिंग इन लव गाइस, आई सी यू नेक्स्ट वीक। ਨੀ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ। तेरा पहली वारी साडे वल तकना, कुड़े नी साडी जान ही लै गया, तेरा पहली वारी साडे वल तकना, कुड़े नी साडी जान ही लै गया, बड़े तिखे सीगे नैना वाले वार तेरे नी पुत जट दा वी सह गया, बड़े तिखे सीगे नैना वाले वार तेरे नी पुत जट दा वी सह गया, नी तेरा पहली वारी साडे वल तकना, कुड़े नी साडी जान ही लै गया, बड़े तिखे सीगे नैना वाले वार तेरे नी पुत जट दा वी सह गया, नी तयो दिल वाली कह गया, हुण कर दे तू हां कादा, करती है वेट वेखी पादूगी कलारे, साडी जोड़ी दोहां दी जट्टां दा ता प्यार होना, जट्टां वरगा नी इत्थे पूरी है गरंटी नी अलाउड सोहां दी, जट्टां दा ता प्यार होना, जट्टां वरगा नी इत्थे पूरी है गरंटी नी अलाउड सोहां दी, तेरे हाथ दाता बीत तेनु सांभ, जिन्ना रखे ओ तो वक्त सांभ सांभ रखना, धुप नू भी कर देनी चाह, तेरे लई ना कदे होर किसे वल तकना, देखी वखरा जा मेल ही करा दू, रब साडा जट सूरज दे वांगू ते तू ठंड पोहा दी, जट्टा दा ता प्यार होना, जट्टां वरगा नी इत्थे पूरी है गरंटी नी अलाउड सोहां दी, जट्टां दा ता प्यार होना, जट्टां वरगा नी इत्थे पूरी है गरंटी नी अलाउड।
ਸਵਾਦੀ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਨਾਲੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤੇ ਐਵੇਂ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਉਪਰਾਂਗੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਨਾ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇਣੀ।